भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सीने आजकल जो देती है नवोदित कलाकारों, गायकों, गीतकारों व निर्देशकों को उनकी अपनी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता आप से आप तक सीने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम सीने आजकल विज्ञापन इंटरव्यू फिल्म प्रमोशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया मोबाइल नंबर 9350816300 ईमेल आईडी है cineaajkalindia@gmail.com। नमस्कार, स्वागत है आपका सीने आजकल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए कई योजनाओं की शुरुआत की। इनमें बुनियादी सुविधाएं, रेलवे, वस्त्र, वित्तीय समावेश, पर्यावरण और स्वच्छता, पशुपालन, संस्कृति और आध्यात्मिकता से जुड़ी योजनाओं का शुभारम्भ करना शामिल है। 3 साल पहले जब नरेंद्र मोदी वाराणसी चुनाव लड़ने के लिए गए थे, तब कहा था, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। धार्मिक नगरी काशी की सरजमी से नरेंद्र मोदी को प्रचंड जीत मिली और वो देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी वाराणसी में विकास के जरिए नई पहचान देने में लगातार जुटे हैं। पिछले 3 सालों में करीब 35,000 करोड़ की योजनाओं का सौगात दे चुके हैं। मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर ने पूछताछ में खुलासा किया है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है, वहां उसके 4 बंगले हैं। इससे भी बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पिछले साल दाऊद की पहली पत्नी महज बीन दुबई गई थी, जहां उसने कास्कर के परिवार से मुलाकात की थी। वहीं से उसने कास्कर से फोन पर भी बातचीत की थी। बता दें कि पुलिस ने कास्कर को 19 सितंबर को गिरफ्तार किया था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तो दूसरी ओर बीएचयू की छात्राएं सड़क पर उतर आई हैं। दरअसल हाल के दिनों में बीएचयू में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। गुरुवार की शाम बीएचयू कैंपस में कला भवन के सामने एक छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में सैकड़ों की संख्या में बीएचयू की छात्राओं ने न केवल बीएचयू के अंदर महिला महाविद्यालय का गेट बंद कर दिया, बल्कि बीएचयू का मेन गेट सिंह द्वार भी बंद कर धरने पर बैठ गई। छात्राओं की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सूबे की उपराजधानी दुमका में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्तावित दौरे को लेकर गोड्डा जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। स्थानीय किसान भवन में जिला भाजपा इकाई की एक अहम बैठक की गई, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह वरिष्ठ नेता हेमलाल मुर्मू और गोड्डा विधायक अमित मंडल ने जिले भर के पूरे मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। दिल्ली एनसीआर में सुबह बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। पंजाब के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। करीब 10 दिन पहले दुलारपुर गांव से लापता युवक का छत बिछत शव बढ़हरा स्थित गंगा नदी से बरामद किया गया है। शव के बरामद होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। वहीं शव की पहचान आयर थाना क्षेत्र के दुलारपुर गांव निवासी मुन्ना उर्फ अमरेंद्र के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया है। भोजपुर में अपराधियों ने एक बार फिर से सरेआम खूनी खेल को अंजाम दिया है। जिले के उदवंतर नगर थाना क्षेत्र के जमुआ मुख्य मार्ग पर अज्ञात हथियारबंद अपराधियों द्वारा एक युवक को दिन दहाड़े 6 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस सूत्रों की माने तो ये घटना आपसी वर्चस्व को लेकर घटित हुई है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। भोजपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार ने 3 बच्चियों को अपने आगोश में ले लिया है। बच्ची स्कूल से पढ़कर जो ही अपने घर को वापस लौट रही थी, तभी विपरीत दिशा से आ रही पिकअप वैन ने तीनों को जोरदार ठोकर मार दी। स्थानीय लोग और परिजन इस घटना के बाद आनंद फानन में तीनों मासूमों को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां इस हादसे में 2 मासूमों की मौत हो गई, वहीं एक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। पिकअप वैन को जब्त कर लिया गया है और मामले की छानबीन जारी है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार बीजेपी अब मिशन 2019 की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश बीजेपी ने अगले 1 साल के लिए जो कार्यक्रम बनाया है, उसके तहत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में दौरा करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार में बीजेपी के मंत्री का भी कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।
जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद का पूरा परिवार इन दिनों इन्वेस्टिगेशन टूर पर है। लालू खुद पटना रांची कर रहे हैं और पूर्वी मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी ईडी के बुलावे पर दिल्ली जाने की तैयारी में भी हैं। तेजस्वी पर टिप्पणी करते हुए संजय ने कहा है कि तेजस्वी भी पटना दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं तो उन्हें रैली में ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने किस किस तरह के घोटाले किए हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जुबानी जंग का सिलसिला जारी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप के भाषण से बौखलाए किम ने उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दिया और साथ ही उत्तर कोरिया को तबाह करने की धमकी देने की कीमत चुकाने की चेतावनी भी दे दी है। रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार वापस भेजने को लेकर मानवाधिकार आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहस चल गई है। मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम में जहां गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को वापस उनके देश भेजा जाए क्योंकि देश के संसाधनों पर पहला और वाजिब हक यहां के नागरिकों का है। खुफिया रिपोर्ट भी इनकी संदिग्ध गतिविधियों की तस्दीक करती है। विराट कोहली का 60 टेस्ट पारियों में एक एक रन के लिए तरसने के बाद दोहरा शतक जमाना हो या फिर वीरेंद्र सहवाग की वनडे में डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड हो, भारतीय कप्तानों के लिए देश के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू के शहर इंदौर का होलकर स्टेडियम शुरू से भाग्यशाली रहा है। क्रिटिक्स से जोरदार सराहना पाने वाली अमित मासूरकर की फिल्म न्यूटन ऑस्कर में जाएगी। भारत की तरफ से बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में इसे नामित किया गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन कमेटी ने यह अनाउंसमेंट की। राजकुमार राव इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे। फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देशी नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ। CHEC मीडिया, मोबाइल नंबर 9350816300, ईमेल आईडी है CA आजकल इंडिया @gmail.com।